भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी ममता राकेश ने तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल करके भगवानपुर क्षेत्रवासियों का किया धन्यवाद और कहा कि ये मेरी जीत नहीं, आप सभी भगवानपुर क्षेत्रवासियों की जीत हुई है। उसी के साथ साथ मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक ममता राकेश ने होली के पर्व पर लोगों को सावधानियां बरतने के लिए और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं भगवान श्री कृष्ण समाज की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जता करके मुझे चुनाव में तीसरी बार लगातार विधायक बना करके सम्मान करने का मेरा काम किया है। इसमें हमारे युवा साथियों का, मातृशक्ति का, माताओं का, बहनों का, गरीबों का, सर्व समाज के सम्मानित साथियों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं अपने बाबूजी सर्व परिणाम राकेश जी, अपने पति भगवान के सर्व समाज के जागरूक और सम्मानित जनता सोच समझ कर खाते रहते हैं। मैं जनता के खातिर का उनकी गहराई से सम्मान करता हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस विश्वास पर खड़े उतरूँ और चौबीसों घंटे समाज की सेवा करने का कार्य करूँगी। जो पिछले 7 सालों से मैंने अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से सीखा था, अपने बाबूजी परिणाम राकेश जी से सीखा था, उन्हें अपना आदर्श मान करके, अपना प्रेरणा स्रोत मान करके जनता की सेवा निष्पक्ष भाव से करने का कार्य करती हूँ। आगे भी इसी तरह से मैं सब लोगों का भी जनता की समस्या होली का पर्व भी है, अपनी क्षेत्र की जनता को ऐसे स्वरूप मैं अपने क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ कि होली का ये रंग गुलाल सबके दिल में खुश ना रहे, उमंग और उल्लास के साथ सब लोग होली का त्यौहार।